किसी के स्पर्श से भी किसी चीज पर बहुत फर्क पड़ जाता है महाराज। किससे स्पर्श होके कोई चीज निकल रही है उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। सब लोग जयराम जी की बोलो भैया। गंगा जल को आप भर के रख दें, कितने ही सालों तक भरा रखा रहे गंगा जल, पर गंगा जल में कभी कीड़े पड़ते? जयराम जी की बोलो भैया। गंगा जल भर के रखते हो कि बोतल ही 3x रखे रहते हो भरे घर में? गंगा जल भर के रखे कितने ही साल रखा रहे, कीड़े नहीं पड़ते महाराज। कारण क्या है? गंगा मैया जहां से आ रही है ना, गंगोत्री से जहां से आ रही हैं, वहां से उनको तुलसी के वन के वन पार करना पड़ते हैं, और तुलसी की मंजरी, तुलसी दल, तुलसी के पौधों से स्पर्श होकर के गंगा मैया का जल बहता है। इसलिए वो इतना एंटीबायोटिक हो जाता है कि उसमें बैक्टीरिया पनप ही नहीं पाते महाराज, उसमें कीड़े पड़ ही नहीं पाते हैं। अपने यहाँ भी चरणामृत जो दिया जाता है मंदिरों में या घर के मंदिर में, तो अपने यहाँ चरणामृत में चीनी तो जो रहती है वो तो रहती ही है, चीनी के साथ में चरणामृत में तुलसी भी डाली जाती है, तुलसी का दल भी चरणामृत में रहता है। क्यों रहता है? तुलसी एंटीबायोटिक का काम करती है, इसलिए तुलसी दल जब जल में डाल के आपको चरणामृत के रूप में दिया जाता है तो वो आपके शरीर को निरोग करने में, स्वस्थ रखने में बहुत कारगर है महाराज। इसलिए हमारे ऋषियों ने कृपा करके हमारे भगवान के चरणामृत में तुलसी दल को शामिल किया महाराज। तो कहाँ से कौन सी चीज क्या छू करके आ रही है उसका भी उस चीज पर प्रभाव पड़ जाता है। जैसे सूर्य की किरणें तो सूर्य की किरणें हैं, पर जब वो ओजोन लेयर को पार करके आती हैं तो उनका जो नुकसान करने वाला जो भी गुण है सूर्य की किरणों का वो कम पड़ जाता है। ओजोन लेयर जो बीच में है वो इस तरह की है कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो हानिकारक किरणें हैं उनका वो वहीं अवशोषित कर लेती, एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो प्रकृति में अच्छा कर सकते हैं, जो पेड़ के अंदर जो जाइलम, फ्लोएम ये सब होते हैं जिनके कारण से पेड़ बढ़ते हैं, फल फूल बीज सब पड़ते हैं, वो सूर्य की किरणों से इनका जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उससे पेड़ बढ़ते हैं महाराज। तो भगवान ने ओजोन लेयर बीच में बनाई कि उससे सूर्य की किरणें पार होके आएंगी तो सूर्य की किरणों का जो हानि करने वाला हिस्सा है वो प्रकृति का नुकसान नहीं करेगा और समाज के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तो कहना ये चाह रहा हूँ प्रसंगवश कि स्पर्श का बड़ा फर्क पड़ता है महाराज, स्पर्श।